मकसद क्या है, व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ ऑफ अ मैन। तो सोक्रेटिस जो था, आपको पता होगा कि उसको शौक था कि हर चीज पे डिस्कशन की जाए, लॉजिकल आंसर ढूंढे जाए। एक रवायत में है कि तकरीबन 2 साल तक वो और उसके तकरीबन 600 फॉलोअर्स जो थे, जिन्हें आप चेले कहते हैं, डिसाइपल्स कहते हैं, वो सब इस बात पे डिस्कशन करते रहे कि जिंदगी का मकसद क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि मटीरियल अचीवमेंट्स हैं, उस जमाने में होता था जी कि रोम के लिए आप जनरल्स में शामिल हो जाएं, या बहुत बड़े जागीरदार बन जाएं, या बहुत बड़े उस जमाने में हंटर्स शिकारी बन जाएं। तो मुख्तलिफ आइडियाज आते रहे, उन पर डिस्कशन होती रही कि जिंदगी का मकसद क्या है। और एंड में जिस पर सोक्रेटिस और उसकी मेजोरिटी ने एग्री किया जिस जवाब पे, वो जवाब मुझे भी बड़ा पसंद है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं उस जवाब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ। वो जवाब ये था कि ज़िंदगी का मकसद ये है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हों जायज़ तरीके से कि जिनसे आप मोहब्बतें करते हैं आप उन्हें कंफर्टेबल लाइफ दे सकें। यू डोंट नीड मोर देन दैट, यू डोंट नीड लेस देन दैट। मैं फिर रिपीट करूंगा कि जिंदगी को देखने के तो क्या पर्पज है कही जाता है। तो मुझे पसंद आया सोक्रेटिस का जवाब कि जिंदगी का पर्पज क्या है। आई एम गोइंग टू रिपीट इट कि आप कितने वसाइल, यू शुड बी एबल टू अर्न एनफ रिसोर्सेज टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, हैप्पी लाइफ विद योर लव्ड वन। उससे ज्यादा पैसे की आपको जरूरत नहीं है और उससे कम की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस उम्र में कैरियर के हैं, बंदे का दिल करता है कि सब छोड़ छाड़ के अमेरिका चला जाए, वहां सेटल हो जाए, तो शायद कभी आए या ना आए। जाकर आरजू होती है कि इंशाल्लाह हम आ जाएंगे। हम जा ही इसलिए रहे हैं कि हम आ जाएंगे, लेकिन होता क्या, तो बहुत कम खुश नसीब होते हैं जो जिंदा वापस अपनी दफ परमानेंट रहने के लिए। और उसमें भी बदनसीबी है कि जो आ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो वापस आकर तो इस धरती को वैल्यू नहीं कर पाते। वो यहाँ पे आकर सड़ते बलते रहते हैं कि उत्थे ऐसी इंग्लैंड च होता सी, अमेरिका चाह होता सी। दैट्स अ ट्रेजेडी। अगर आप चले गए तो आप समझे आपने मटेरियल गेंस के लिए मोहब्बतों को कुर्बान कर दिया, चाहे वो माँ की मोहब्बत है, चाहे वो आपके बाप की मोहब्बत है, चाहे वो आपके बहनों भाइयों की है, या आपकी धरती की मोहब्बत है, आपके शहर की मोहब्बत है। तो फिर आप ये सोच लें कि कितने डॉलर्स में, कितने पाउंड्स में आपने अपनी मोहब्बतें बेच दी हैं। ये जाने से पहले सोच लें, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है। मोहब्बतों के लिए भी यही जिंदगी है और पैसा कमाने के लिए भी यही जिंदगी है। तो आपने इसका तवाजन रखना है कि पैसे कमाने का पर्पज क्या है। तो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं आप उनकी जिंदगी खूबसूरत बनाए, ऐसा पैसा कमाने का और कोई मकसद नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि बाद में हम पैसे की तलाश में हम इतना आगे निकल जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि असल पर्पज क्या था। मैं यहाँ से अपनी लाइफ से कुछ वाकयात रिलेट करूँगा। 2012 की बात है, आई वॉज इन डोमिनिकन रिपब्लिक, वहाँ पे देर वॉज अ स्पेनिश यूनिवर्सिटी, देर आई वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड बेसिक मेडिकल साइंसेज। तो सम हाउ आफ्टर वर्किंग फ्यू इयर्स देयर आई डिसाइडेड टू कम बैक। देवर पेइंग मी वेरी हैंडसमली। आईलैंड डोमिनिकन रिपब्लिक इज अ ट्रॉपिकल आईलैंड, बड़ा खूबसूरत आईलैंड है, वाइट सैंड बीचेस हैं, सारा साल मौसम बाहर रहता है, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े टॉलरेंट लोग हैं, सब फॉरनर से मोहब्बत करते हैं। तो लेकिन somehow I decided कि मैंने वापस आना है। तो मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी के डीन ने मुझे बुलाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों जाना चाहते हो। मैंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, तो वहाँ के डिज़ाइन। उन्होंने कहा देखो हमारा वतन कितना खूबसूरत है, डोमिनिकन रिपब्लिक खूबसूरत है, आप हमारी बीचेस देखें, आप हमारी ग्रीनरी देखें, आप हमारी मोहब्बतें देखें, टॉलरेंस देखें, और
और फिर आप कितना कमा रहे हैं डॉलर्स में यहाँ पे, आपको पाकिस्तान जाकर क्या मिलेगा? मैंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात। तो वो काफ़ी सीनियर थे मुझसे, कहने लगे बेटा परसों से मुझे किसी ने बताया था पाकिस्तान को थोड़ी सी रिसर्च, 2012 की बात है, तो बेटा वहाँ तो हालात बड़े ख़राब हैं, वहाँ पे तो शायद लाइट भी रोशनी भी तभी होती है जब वो सड़क पे दबाता हो। जब उन्होंने ये बात कही मुझे बड़ी तकलीफ थी, लेकिन बात तो सच थी उस दौर की। तो कहते बेटा मैंने तो सुना कि वहाँ पे तो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है, वहाँ पे उन दिनों मलाला वाला केस भी था कुछ, तो लोग जो बच्ची पढ़ना चाहे उसके पीछे बंदूकें लेकर फिरते, बहुत खराब है, ये सच है। लेकिन मैं फिर भी आपके मुल्क में नहीं रह सकता। तो कहिए आप क्यों नहीं रह सकते? मैंने कहा मेरा जो सबसे बड़ा मसला आपके मुल्क के साथ है वो ये है, मुझे अपने जैसे चेहरे नज़र नहीं आते, आपके मुल्क में कोई बंदा मेरे जैसे लहजे में बात नहीं करता। मैं उन लोगों में जीना चाहता हूँ, लोगों में मरना चाहता हूँ जिनमें मैं पैदा हुआ था, जिन्होंने मुझे पाला था। जो मेरी तरह सोचते हैं, जो मेरी तरह से दिखते हैं। तो फिर मैंने उन्हें बात कही, मैंने कहा पाकिस्तान जैसा भी है मेरे लिए वो मां का बेड़ा है, मां का बेड़ा जिथे तुझे जिंदगी का पहला शोहर हासिल किया होता है, जिथे तुझे संगीत साथियों ना खेड़िया होता है। मैं कि मैं किन्ने डॉलर से किन्ने पाउंड अपनी माँ का बेड़ा भेज दूंगा, मैंने किसी को और जिंदगी दोगे, एक मैं थोड़े मुल्क गुजार लेना, एक मैं अपने पाकिस्तान चला जाऊँगा। कहते जी गल कर रहे हैं, मैं गल तो किसी एक कर रहे हैं, आई हैव टू गो बैक, मैं हम इतने मजीद नहीं रह सकता। मैंने रिजाइन कर दिया, मैं आ गया, और वो दिन और आज तक आई एम सो हैप्पी विद माई डिसीजन, आई एम सो हैप्पी। लेकिन अगर मेरे सामने मैं उनकी किसी ऑडिटोरियम में बात कर रहा होता, मैं उनको बिलिटल नहीं कर रहा, बहुत सारी खूबियों में वो हमसे आगे हैं। उनका सिर्फ एक मसला है कि उनका वतन हमारा वतन है, और ये बहुत बड़ा मसला है। बाकी दुनिया भर की खूबियां उनमें, हमें हकायक को मानना चाहिए कि साड़ी माँ का वेड़ा कच्चा है, तो वह संगे मरमर के महल के हाथी बैठे हुए, लेकिन वह संगे मरमर के महल साढ़े महल नहीं है, असं उत्तर किन्नी कु देर रह सकते हैं। यह गल इस तो बड़ी फैसीनेट करती है कि MBBS करिए, USMLE करिए, फ्लैप देिए, तो बहर जाके सैटल हो जाइए, यू आर वेरी राइट, ऐसे बहुत सोहना लगता है। लेकिन सारी उम्र तुम 24-25 साल के नहीं रहना, 20 साल का नहीं रहना, 30 का भी होना है, 40 का भी होना है, तो 50 का भी होना है। उसने फिर तुम सोचोगे तुम जिंदगी की कटिया की गुआया, तो किन्ने पैसे आज माँ प्यो छे, तो किन्ने पैसे आस्ते भैन भरा छे, किन्ने पैसे आस्ते अपना शहर छे। ये जी मैं गल कर रहा कि मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हाँ कि तुम बाहर ना जाओ, बस इन्ना याद रखना कि बाहर जाने लिए यह वेख लेना कि तुम कीमत की पे कर रहे हो, इज इट वर्थ इट, और अगर सिर्फ एजुकेशन वास्ते जाना है तो फिर यह भी सोचो कि वापस आओगे कीमत की। कुछ बदनसीब उत्थे रह जाते हैं, कुछ बदनसीब उत्थे रह जाते हैं, 50 साल की उम्र के बाद उन्होंने एहसास होता उन्होंने कितना नुकसान किया। कुछ होर बदनसीब होते हैं जो वापस आके रिग्रेट करते रहते हैं, वो भी बदनसीबी है। तुम अपने दिल च बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जोड़ा तुम फैसला लै रहे हो वो तो असल बुनियाद की है। मेरी बड़ी वजह वापस आने की यह भी थी, जदों मेरी उन्होंने रैक्टर नाल यूनिवर्सिटी का गल हुई तो काफ़ी 1.5-2 घंटे गल हुई, वो बड़ा मेरे प्यार करता थी, बड़ी मुहब्बत करता थी, आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम अलॉट। उन्हें क्या सारी गल सही ने,
नेशनलिज्म भी सही है लेकिन कुछ जाति वजह भी उसे जान दी। मैं क्या हाँ मेरी जाति वजह भी है, तुम सारे पाकिस्तानी भी अपने मुल्क ले आओ मैं फिर भी पाकिस्तान वापस जाना। कहें कि तू को आओ, मैं क्या यार मेरी पहली बीवी की कबर पाकिस्तानी चे उन्होंने भी लै होगा तुझे सारी गल मैं दस की कोशिश कर रहा कि पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मटीरियल चीजा बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन वो उन्निया को होनी चाहिए ने जिनी को वाकई चाहिए ने उस तो अगे का कुछ फायदा नहीं। तो मटीरियल गेन वास्ते अपनी मुहब्बत को इग्नोर ना कर देना। जो प्यो बीमार है जो माँ बीमार है तुम कहते हो मैं बस किसी तरह यूएसए में करके निकल जाऊँगा, यकीन जानो यूएसए में साल दो साल इंतजार कर सकता, हो सकता है माँ की बीमारी इंतजार ना करे। इन्हों सारी चीज़ों जेन च रख के कैरियर के फैसले कर ताकि जिसल तुम आप माँ प्यो बनो तो अपने बच्चे के पालने शुरू करो तो जिसल बच्चे व्डे हो अपने माँ प्यो को याद करो तो तुम रिग्रैट्स ना हो तो किड़े वक्त पर किन्नी कीमत पर किड़े रिश्ते इग्नोर किया। सो जी मैं गल कह रहा वो है कि संसद को मुहब्बत करनी आनी चाहिए, मुहब्बत की कीमत भी पता होनी चाहिए। मैं मटीरियलिज्म एक एक एग्जाम्पल होर कोट कराँगा। सैन फ्रांसिस्को एक बड़ा सादा जहाँ उन्होंने तजर्बा किया साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ने, बहुत ही सादा जहाँ तजर्बा से वो तजर्बा है कि चूहे जिसके चूहा चूहे के बच्चे पैदा होते हैं, चलो मैं बल्कि होर एग्जाम्पल कर देना गिनी पिग्स, वो पिग नहीं होंगे बड़े छोटे छोटे होंगे गिनी पिग्स के जो बच्चे पैदे हैं चूहा नहीं कर रहे यार वो ज़्यादा मिले यार है ना राइट। अच्छा तो चूहे के बच्चे उन्होंने गर्मियों पाए तो उन्होंने सामने चीज़ रख दी पनीर बड़े शौक न खाते रेत की फ्लोरिंग थी एक्सपैरीमेंट जो किया उन्होंने छोटे छोटे दाने पनीर के रख दिए चूहे के जो बच्चे सर उन्होंने दाने खा लिए। अगले दिन उन्होंने की किया कि वो पनीर जड़े जो टुकड़े सन वो रेत के बीच थोड़े थोड़े दबा दिए चूहे ने जाके थोड़ा थोड़ा कुरे दिया तो पनीर कट दिया। फिर उन्होंने एक अद्धे हफ्ते बाद उन्होंने होर डूंगा रेत दब दिता पनीर हूँ चूहे के बच्चों ने सीख लिता से कहता से खुदाई करिए तो अंदरों पनीर निकलता है तो जो जो वो बेबी कैट्स वड्डे होते गए वो पनीर के टुकड़े सैंड के गहरा गहरा प्लांट करते गए तो जो तो भी उन्होंने उठना चूहे के बच्चे ने उन्होंने खुदाई शुरू कर दी तो पनीर कट लिया खा लेना। लेकिन इतों तक तजर्बा तो नॉर्मल से जो एंड उन्होंने कमाल किया तो चूहे के बच्चों के सामने आखिरी दिन एक्सपैरीमेंट दे की किया पनीर उत्ते सामने रख दिता तो पता चूहे ने की किया पनीर खा के तो खुदाई शुरू कर हूँ उन्होंने रोज़ पनीर उन्होंने सामने दे देना पर वो अपनी खुदाई रोज़ जाने लगते। साढ़े चो कई दोस्त भी इस मुहालते का शिकार हो जाते हैं कि जिंदगी की कभी खुदाई स्टेज माली महरूमिया होंगे चुनाचे उन्होंने बड़ी खुदाई करके पनीर लगता है लेकिन जो मेहनत करते हैं अल्लाह ताला करम करता है पनीर उन्होंने सामने पे आता है लेकिन वो भुल जाते हैं कि खुदाई का परपज की थी वो फिर भी खुदाइयां करते रहते। ऐसे दोस्तों को देखोगे ऐसे सीनियर्स को देखोगे जिन्होंने अल्लाह ने बड़ा कुछ दिता है लेकिन वो ये भी खुदाई से मसरूफ है जिन्हों को सारी उम्र बरत सकते हैं सब उन्होंने है लेकिन वो आदत ऐसी पै गई है कि उन्होंने खुदाई करते हैं जाना है मजीद की तलाश जारी रखनी है। आई थिंक साडा शोर उन्होंने चूहे तो ज्यादा बेहतर होना चाहिए कि सू पता होना चाहिए कि अर्ली लाइफ की जी शदीद स्ट्रगल अभी करने परपज की है और जिसलिए अभी कामयाब हो जाइए माली तौर पर कंफर्टेबल हो जाइए तो मजीद लालच अपने आप में अपनी फैमिलियां इग्नोर और अपने प्यारियां इग्नोर ना करिए नहीं तो असी तो चूहे बराबर ही ने तो सब कुछ सामने पै है और खाई भी जा भी रहे तो खुदाई भी करी जा रहे। उसके बाद मैं एक होर गल तुम दसना चाहना वा वो है कि जिंदगी
रिक्वेस्ट रही है कि उर्दू में भी बात कर लूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पंजाबी को बहुत क्लियरली नहीं समझते। तो लेट्स टॉक इन उर्दू, राइट? यार मैं पंजाबी में जाऊँ तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं पता नहीं लगता। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी तक जो मैंने आपको बात एलेबोरेट की है वो सिर्फ ये है, मैं आपको पता लेक्चर में भी रिपीट करता हूँ तो यहाँ पे भी रिपीट करूँगा। कुछ बातें जो हैं कुछ काबिल होती हैं कि उन्हें रिपीट किया जाए, तो रिपीट मैं करूँगा कि आपको मोहब्बत करनी आनी चाहिए, आपको मेहनत करनी आनी चाहिए, लेकिन मेहनत का पर्पस सिर्फ इतना है कि इतने वसाइल इकट्ठे किए जाएँ कि जिनसे आप मोहब्बत करते हैं आप उनके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार लें। अगर मेहनत करते 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 आप अपने प्यारों से बहुत दूर चले जाएंगे तो आप उन्हीं चूहों की तरह देंगे। बहुत से चूहे आपको अब दाएं बाएं नजर आएंगे ज़िंदगी में, आपने कोशिश करना है कि आपने वैसे चूहे नहीं बनना। पहली बार दूसरी बात कि जब मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, मोहब्बत से मुराद आपके माँ बाप से हो सकती है, आपके बहनों भाइयों से हो सकती है, आपके स्पाउस से हो सकती है, आपके साथी से हो सकती है, आपका कोई भी महबूब हो सकता है। मोहब्बत में और केयर में फर्क होता है। हम कहते हैं दैट पर्सन इज वेरी लविंग और वो दूसरा बंदा ही इज वेरी केयरिंग, इसका फर्क पता है मोहब्बत और केयर का फर्क? और क्या मोहब्बत एक बड़ी वैल्यू है या केयर खिदमत बड़ी बात है? मैं रिपीट करता हूँ, मोहब्बत जब हम करते हैं तो एक हमारे साथ मसला होता है, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं हम चाहते हैं वो भी हमसे मोहब्बत करें। ये मोहब्बत की एक प्री रिक्वेजेंट होती है, मोहब्बत खुद गर्ज होती है। सिर्फ मोहब्बत जो होती है खालस मोहब्बत खुद गर्ज होती है। वो ये कहती है कि हम जिनसे मोहब्बत करते हैं दे शुड लव अस बैक, और जब वो हमसे मोहब्बत ना करें तो हमें क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन होती है। खिदमत एक अलग चीज़ है, खिदमत एक अलग चीज है। खिदमत में ये होता है केयर, जो ट्रू केयर होती है उसमें आप रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसा कोई बंदा अगर अफ्रीका के बच्चों के लिए डोनेट करता है, अगर कोई बच्चा बंदा अफ्रीका में जो बच्चे हैं एथलेट स्पोर्ट्स या पाकिस्तान में जो गरीब फैमिली है आप उन्हें उनके डोनेशन देते हैं, क्या क्या आपके रिटर्न एक्सपेक्ट करें? नहीं करते। खिदमत का दर्जा मोहब्बत से ज़्यादा है। लेकिन सबसे खूबसूरत मोहब्बत वो होती है जिसमें आपको खुद नहीं समझ आता और दूसरे को भी समझ नहीं आती कि किस वक्त आप मोहब्बत कर रहे हैं और किस वक्त आप खिदमत कर रहे हैं। चुनाचे आप एक और चीज करें कि जिन लोगों से मोहब्बत करें एक आदत डालें, अपने आप को पूछें क्या मैं उनकी खिदमत भी करता हूँ या नहीं। ये कहना कि माँ से बड़ी मोहब्बत है वो एक अलग चीज़ है और माँ की खिदमत करना बिल्कुल एक अलग चीज़ है। बाप से मोहब्बत करना एक अलग चीज़ है और मोहब्बत के साथ बाप की खिदमत करना एक बहुत सुपीरियर बात है। और सेम इज ट्रू अबाउट योर स्पाउस, यस, इवन अपनी बीवी से मोहब्बत करना एक अलग चीज़ है, मोहब्बत के साथ खिदमत करना बहुत सुपीरियर होता है। हमारे माशरे में ऐसे मर्द जो बीवी की खिदमत करें मोहब्बत के साथ, हम अनफॉर्चुनेटली ये डिस्टॉर्शन है हमारे माशरे की वैल्यू सिस्टम में, हम कहते हैं कि वो रहने लगे। हालांकि सोचने वाली बात ये है कि वो औरत जो आपके नकाम में होती है, अगर आप उस पर मोहब्बत भी करते हैं आप उसकी खिदमत भी करते हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बच्चों की माँ की खिदमत कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बीवी की खिदमत नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की माँ की खिदमत कर रहे हैं। एंड एक्चुअली यू आर सर्विंग योर किड्स, यू आर गिविंग देम अ हैप्पी मदर। तो बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ मोहब्बत का क्लेम तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जब तक आप मोहब्बत में खिदमत नहीं डालेंगे रिगार्डलेस ऑफ द मुआशरा क्या कहता है, जब तक आप उसमें खिदमत नहीं डालेंगे आप खुद भी मोहब्बत को एंजॉय नहीं करेंगे। मैं समझाता हूँ कैसे।
लेट सपोज एक लड़का है, वो कहता है जी मैं अपने माँ प्यो ने बड़ी मोहब्बत है, दो भाई हैं, दोनों कहते हैं कि मेरे माँ बाप से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन एक भाई कहता है जी कि मैं तो चले जाना अमेरिका, उत्थे मैं इदा डॉलर कमाने ने, ये करना है वो करना है, और एंड में जाके वहाँ सैटल हो जाता है। दूसरा कहता है अम्मा बीमार है, भरा भी चला गया, तो चलो मैं पाकिस्तान में रहना, हो सकता है दूसरा गरीब हो जाए, मटीरियलिस्टिक है, लेकिन उसे खिदमत का मौका मिलेगा, उसे खिदमत का मौका मिलेगा, और वो जो नेकी करेगा अपने माँ बाप के साथ, उसका अजर उसे मिलना ही मिलना। क्यों मिलना? आप हर चीज़ जो अच्छाई जो बुराई करते हो उसका कहीं ना कहीं हिसाब रखा जा रहा है। मैं तो कभी कभी इतना हैरान होता हूँ, आप तो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वी आर मेड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, राइट? नॉट बिलियंस, वी आर बिलियंस ऑफ सेल्स। आपको पता है कि हमारे हर सेल में, ईच एंड एवरी सेल ऑलमोस्ट ऑन एवरेज इज डूइंग 30,000 टाइम रिपेयर ऑफ इट्स ओन डीएनए ऑटो। नेचर का आप हिसाब के आप देखें कि आपके हर सेल में 24 आवर में 30,000 पॉइंट पे डीएनए की रिपेयर होती है, और उसमें देखा जाता है कि मास्टर कॉपी क्या थी, कहाँ डैमेज हुआ है, डैमेज को लोकेट किया जाता है एंजाइम से, डैमेज पीस रिमूव किया जाता है, उसकी कॉपी तैयार की जाती है। अगर नेचर का निज़ाम इतना परफेक्ट है, क्योंकि जो हम अच्छाई या बुराई करते हैं, जो मोहब्बत जो खिदमत करते हैं, तो उसका कोई हिसाब नहीं, उसका भी हिसाब होता है। मैं आपको अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी से मिसाल दूँ, मैंने फोर्थ ईयर में शादी कर ली थी, वो बड़े अजीबोगरीब हालात में शादी हुई थी सर। मैं फाइनल ईयर वो कहता है पहली शादी तो कम अज कम बेलेजर कर रहे थे, तो बात में कर रहा था कि मैं फोर्थ ईयर में शादी कर रही थी। इन एग्जांपल से मैं कुछ आपको चीज़ें समझाना चाहूँगा। शादी मैंने क्यों की थी, उसकी वजह ये है कि सेकंड ईयर में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं मेडिकल कॉलेज में अनफिट हूँ, बल्कि उससे भी मैं पीछे जा रहा हूँ। मैं FSC कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया, वहाँ पर भी मुझे महसूस हुआ कि मैं अनफिट हूँ। वो अनफिट होने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि आई वॉज नॉट यूज टू लिव एंड टॉक एंड सिट अमंग सच फाइन पीपल जो गवर्नमेंट कॉलेज में आए हों, अच्छे पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे हों, वेल ट्रेंड हों, कल्चर्ड हों। मैं ऐसा क्यों नहीं था? उसकी वजह ये है कि मैट्रिक तक मैं कभी स्कूल में नहीं गया था। आई हैव नेवर बीन इन स्कूल इन माई लाइफ। मैं ज़रा पीछे से कहानी शुरू करने लगा, मोहब्बतों खिदमतों और अल्लाह के रिवॉर्ड। मैट्रिक तक मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि आई कुडंट अफोर्ड स्कूल, इवन तो मैं मदर वाज एजुकेटेड, लेकिन फिर भी हालात कुछ ऐसे हो गए। तो बेसिकली लाहौर में आई लिव माय चाइल्डहुड एज अ चाइल्ड लेबरर। मैं गोलियां टाफियां भी सड़कों पे बेचता रहा, तो ज़रा बड़ा हुआ वॉशिंग मशीन असेंबल करके बेचता रहा, रूम कूलर असेंबल करके बेचता रहा, कारखानों में काम करता रहा, ये सब कुछ चल रहा। उस दौरान में दो ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे तालीम की तरफ लेकर गई। एक तो मेरी वालदा, उनको ये था कि वो खुद चूँकि पढ़ी लिखी हैं तो हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, तो ये ना हो कि उनके बेटे अनपढ़ रह जाएं। तो स्कूल तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, घर की रोटी भी खुद चलानी थी, लेकिन अम्मा मेरी ये बताती रही कि बेटा आपने पढ़ना ढूंढना लिखना पढ़ना कम अज़ कम सिखा दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे हमेशा दो चीज़ें कही कि बेटा ठीक है आप स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ पे भी कोई अच्छी साइंटिफिक किताब मिले साइंस पे वो आपने ज़रूर पढ़नी है, और जहाँ पे भी कोई अच्छी रिलीजन पे किताब मिले वो आपने ज़रूर पढ़नी है। हाँ, यहाँ से मुझे याद आया कि मैं मेरा बड़ा एक अजीब सा ताल्लुक है जमात इस्लामी के साथ, मैं उनके साथ सियासी तौर पर वाबस्ता नहीं, मेम्बर नहीं किसी तरह से, इल्मी तौर पर भी वाबस्ता नहीं, लेकिन मैं जज्बाती तौर पर बहुत वाबस्ता। वो कैसे? वैसे कि अगर तो मैं स्कूल नहीं गया, लेकिन मेरी वालदा ने जो ही मैंने कुरान मजीद ख़त्म किया तो अबुल आला मातूदी साहब की तफहीमुल कुरान की 6 जल्दें हमारे घर में होती। मैं बड़ा छोटा था उस वक्त, उसकी समझ तो नहीं आती थी,
लेकिन वालदा ने पूरी कोशिश की और आखिरकार उसमें कामयाब हो गई कि जब मैं मजदूरी करके घर आता था तो उन्होंने तफ़सीरुल कुरान पढ़कर या खुद पढ़कर सुनाना या मुझे कहना कि तुम पढ़कर मुझे सुनाओ, और समहाउ उन्होंने मेरे 14-15 साल पहुँचने तक 6 की 6 जल्दें मुझे गुजार दी। ये मेरी एक अटैचमेंट बनी। फिर उसके बाद एक और भी अटैचमेंट बनी, वो ऐसे बनी कि मेरी माँ ने कहा मुझे तो बेटा ऐसा करो कि स्कूल तो तुम नहीं गए, प्राइवेट मैट्रिक कर, तो मैंने आर्ट्स की किताबें ली और हमारे मोहल्ले में ट्रंडा का खा लेती, उसने उस जमाने में MSc फिजिक्स की हुई थी एंड ही वॉज डूइंग अ गुड जॉब। तो मैं मस्जिद नमाज पढ़ने जाता था, वो भी खालिद भाई यूं ही होते थे, तो मैंने एक बार उन्हें कहा कि यार भाई मैं मैट्रिक करना चाहता हूँ तो मुझे एक आध घंटा गाइड कर दिया जाए। उनका कोई बात नहीं भाई तुम आ जाया करो। मैं पहले दिन आर्ट्स की किताबें लेकर उनके घर पहुँचा, उन्होंने घंटा दो पढ़ाया, दो तीन दिन बाद कहने लगे यार तुम तो बड़े मेहनती हो। तो साइंस की किताबें क्यों नहीं रख लेते? मैंने कहा साइंस की किताबें रख कर मैं क्या करूँगा, वो तो बड़ी मुश्किल होती है। कहते यार ऐसा करो साइंस की किताबें रखो, तुम डॉक्टर बन जाओ। मुझे हंसी आ गई का कहना। कहते कि आप कैसी बात कर रहे हैं, डॉक्टर कैसे बनते हैं? कहते पहले मैट्रिक में बड़े अच्छे नंबर लेते हैं, फिर किसी अच्छी जगह से FSc करते हैं, फिर उसमें बड़े अच्छे नंबर लेते हैं। तो एक साल तुम्हें मैट्रिक में लगेगा, 2 साल आपको FSc में लगेंगे, फिर 5 साल MBBS में लगेंगे, 1 साल हाउस जॉब में लगेगा, ये 7-8 साल लगेंगे तुम डॉक्टर बन जाओ। मैंने कहा मेरे पास 2 दिन की रोटी नहीं है, आप 8 साल का प्लान दे रहे हैं मुझे, तो इसको आप रहने दें, बस मुझे आर्ट्स पे ही पढ़ने दें। लेकिन क्या वो मुझे एक तरह के ट्यूशन पढ़ा रहे थे फ्री, 2 हफ्ते बाद वो बड़े जज्बात थे, कहते यार नजीब तू बड़ा टैलेंटेड बंदा है, इतनी मेहनत करता है, इतने शौक से पढ़ता है, इतने शौक से क्यों पढ़ता है? मैंने कहा सड़कों पे 16-16 घंटे एज अ चाइल्ड लेबर काम करने से बेहतर है 16 घंटे बैठकर किताब पढ़ लें। उन दिनों मैंने कहा छुट्टियां अपने काम से ली थी पढ़ाई शुरू करने के लिए। तो कहने लगे यार तुम शुरू करो, तुम डॉक्टर बन जाओगे। मैंने कहा मेरे पास 8-10 साल का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा यार अल्लाह सारी दुनिया चला रहा है, तेरा भी कुछ कर छेगा तो शुरू करना। मैंने ये कन्विंस किया, मुझे नहीं पता आज वो खालिद भाई कहाँ पे है, लेकिन वो मेरा दूसरी अटैचमेंट थी जमात इस्लामी के साथ, ही वॉज फ्रॉम जमात एंड ही वॉज सो डेडिकेटेड कि जब तक मैंने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास नहीं किया वो मुझे डेली 2-3 घंटे फ्री पढ़ाते रहे। प्लीज सम क्लैपिंग फॉर माय। हालात ऐसे थे कि मैट्रिक में मैंने प्राइवेट कैंडिडेट्स लाहौर बोर्ड में, तभी बहुत ज़्यादा बोर्ड नहीं होते थे, लाहौर बोर्ड में बहुत सारे शहर आते थे, उनमें प्राइवेट कैंडिडेट थे तकरीबन 37,200, उनमें लड़कों में मेरी टॉप पोजीशन थी। लेकिन जब मुझे ढूंढ रहे थे बोर्ड वाले, उस वक्त मैं बोर्ड के बाहर 20 रुपए का जमाने में गजट आता था, वो लेकर पैर पैर में मैं रिजल्ट बता रहा था, और मैं बड़ा हैरान हो रहा था लोग बेहतरी पास हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं। मैंने उस 20 रुपए से उसे आदमी 250 रुपए बना दिया। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि खालिद भाई बाहर चले गए दुबई, और मैंने सोचा कि आगे क्या करना, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, हालात नहीं थे। किस्मत मेरी शायद अच्छी थी कि रिजल्ट आया हुआ था उसके 2-3 महीने बाद खालिद भाई रिजल्ट आउट हुए। यार तुम पढ़ नहीं रहे? मैंने कहा नहीं यार वो मैं काम कर रहा हूँ,